विश्व भर में फैले कोरोना वायरस और प्रदेश में कर्फ्यू व लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े निजी शिक्षा संस्थानों के स्टाफ को वेतन अदायगी में प्रदेश सरकार मदद करे, ये मांग जिला हमीरपुर प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान देवराज वर्मा ने हमीरपुर में की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि सभी निजी स्कूल अपने अध्यापकों को मासिक वेतन दे सकें। वर्मा ने कहा कि प्रतिमाह फीसों से ही सभी स्कूल अपने अध्यापकों का मासिक वेतन देते थे। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जिला हमीरपुर के सभी निजी प्रबंधक अभिभावकों व छात्रों के साथ हैं। प्राइवेट स्कूल संघ जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा छात्रों की पढ़ाई व आर्थिक तौर पर सहायता करेगा। जिला हमीरपुर के पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है और जिसके कारण सभी लोग अपने लिए बच्चों के लिए चिंतित है, जिला प्रधान देवराज वर्मा सभी अभिभावकों से जो कि निजी स्कूलों के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे निश्चित करता हूँ कि जिला हमीरपुर प्राइवेट संघ आने वाले समय के अंदर आप पढ़ाई के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम अपनी जो भी आगे अगले मार्च तक जो भी छुट्टियां होंगी उसमें कटौती करके जितना भी सिलेबस है उसको पूरा करेंगे और सभी निजी स्कूल पाठशालाएं जो हैं अब एक एक हफ्ते का जो है अपने स्तर के ऊपर जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो अपना सिलेबस भेज रहे हैं और उसके अंदर जो है सभी अभिभावक बच्चों को उस सिलेबस को आएँ। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी निजी पाठशालाओं का आय का स्रोत है केवल वो फीसें हैं और फीसें ना आने के कारण जो है हमें इस वक्त जो है अध्यापकों को पे देने के लिए मासिक जो प्रति माह जो हम वेतन देते हैं उसकी कठिनाई आ रही है। तो सरकार से निवेदन है कि वो हमें आर्थिक सहायता के तौर पर जो है हमें सहायता करें और साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि इस वक्त सभी स्कूल बसें जो खड़ी हुई हैं तो जितना भी टैक्स है जितना भी इस वक्त स्कूल बसों का 3-4 महीने का जो टैक्स है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए ताकि स्कूल जो है वो आर्थिक दृष्टि से जो है संकट से जो है जूझ रहे हैं उनको उससे छुटकारा मिले।